आज की रेसिपी में बनाते हैं चटपटा फ्राई किया हुआ मक्का चाट। उसके लिए एक मक्का लिया है। मक्का को इस तरह से चाकू से काट लेंगे, बहुत आसानी से कट जाता है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से काट लिया है मैंने, ज़्यादा मोटे पीस में नहीं काटे हैं। अब इसको डीप फ्राई कर लेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई लिया है, इसमें तेल डालेंगे और मीडियम गरम तेल में डाल देंगे और अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने से चाट का स्वाद ही बढ़ जाता है। अब इसको पलट लेते हैं। ये चाट बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और इसको पलट के अब इस तरह से निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। थोड़ी देर के लिए इस तरह से रख लेते हैं। दो मिनट के लिए इस तरह से रखना है। इसका ऑयल निकल गया है। अब इसको एक प्लेट में रख लेंगे या फिर एक बाउल में रख लेंगे। इसमें मसाले डालेंगे स्वाद के अनुसार, नमक, ये थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, और लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं, और ऊपर से नींबू निचोड़ देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ये चाट बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं।